गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी विल डू अवर कंटिन्यू अवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज नंबर अप टू 999. सो हियर पेज नंबर 12 आई हैव स्किप. आई टोल्ड यू टू शो यू अबाकस. आई डेफिनेटली शो यू अबाकस बट आई डिंट फाइंड नाउ. सो फॉर दिस आई विल टेक अ स्पेशल क्लास फॉर यू टू शो द अबाकस काउंटिंग्स. ओके, फॉर दैट let us do page number 30. I know you know the number names, number in words. Okay, so first is 199, 199. We will write 1 in which position? First write 100, tens and ones. So 1 kaun se position pe 100, so 199. So 9 in 10's place and 1 in and 9 in 1's place. So 199. 225. 2, if you know better, write 100 tens and 1's also. 200, 2 tens nahi bolenge, hum bolenge 20. Right? Then 5. 1's ke place mein no 0. 100 के प्लेस में हाउ मेनी जीरो? 100, टेंस एंड वन. 100 विल बी 20, टेंस इन 10 एंड वन्स प्लेस में नो जीरो. राइट, 400, 100, टेंस एंड वन्स. 4 इन 100 को प्लेस, सो इट इज वी विल राइट 400. 310, 100, टेंस एंड वन्स. 300 10, 0 है 10, तो हम यहाँ ओनली लिखेंगे टी एंड 10, बिकॉज 0 की नो वैल्यू. ओके, सो दिस टू डू इट इन योर होमवर्क. राइट द नंबर्स. द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू. 856, 800, 5 एंड 6. ओके, नंबर बी 590, 500 90. मैंने बोला था 100 के प्लेस पे, टेंस के प्लेस पे, इसलिए हम 9 टेंस नहीं लिख सकते, इसे हम लिखेंगे 90. देन 0. 735, 735. देन 329, 329. दिस टू डू इट इन योर होमवर्क. 690, अगर 90 होगा तो वो सेकेंड पोजिशन पे होगा, और अगर वन्स होगा, ओनली वन नंबर रिटन 9, दैट इज इन वन्स प्लेस. ओके, वन्स. टर्न द पेज. ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स. वॉट कम जस्ट बिफोर? दिस इज सो इजी, यू कैन नो ऑल्सो. 341, बिफोर मतलब पहले. राइट, 340, 517, 516. दिस टू 3, 4 आई लेफ्ट एंड 400, 399 एंड 166. बिफोर कम्स 165. आपको पहले नंबर लिखना है. राइट, देन सो हियर व्हाट कम्स बिटवीन. बीच में कौन सा नंबर आता है? राइट, लाइक फर्स्ट 237 एंड 239. अगर दो नंबर सेम है देन यू विल सी द थर्ड नंबर. 7 के बाद 8, तो विल राइट 238. राइट, देन 105. सो 1010 एंड 107 इज कॉमन, सो राइट फर्स्ट 101, जो सेम नंबर पहले हम लिख देंगे. देन 5 के बाद 6, यू विल राइट 6. राइट, 1, 2, 3, डू इट बाय योरसेल्फ एंड 399, 401, बिटवीन कम 400. व्हाट कम जस्ट आफ्टर? बिफोर मतलब पहले नंबर, बिटवीन. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी व्हाट कम जस्ट आफ्टर. पहले हमने देखा कि देन वी हैव डन
what you do in between, just come after, means ke baad kya. Okay, 6:30, after that 6:30, then 6:31, 631, right? This two in, and one more I will solve is 799 ke baad 800, right? Like that 473, so 479. So what we will write? 479 ke baad 480. These three you will solve by yourself. Okay. Now comparison of numbers. How to compare number means you have to see which is greater than, which is smaller and which is equal to. Okay. Now it is written, it is very, very hard. Look at the fish. It is very, very hungry. So it has its mouth wide open. Okay. Here five fishes are there and here two fishes are there, right? One big fish in between. Okay. Agar aapko bhi zyada chocolate do basket mein rakha hoga, then you what will eat? You will take the more chocolates you see in front of you, right? So like that, a big fish open his mouth wide. So he want to eat the many fishes where it contains. Okay. So ye arrow, बिकॉज इसकी माउथ खुली गई था, हम बोलते हैं ना कि बड़ा छोटे को खाएगा, तो ये इसके तब मुंह खोला, इसे ये है व्हाट ग्रेटर देन, फाइव इज ग्रेटर देन टू, राइट? देन रीड द हंग्री बिग फिश ऑलवेज ईट ओनली द ग्रेटर नंबर ऑफ स्मॉलर फिश. लुक एट द शेप ऑफ इट्स माउथ, वी यूज दिस शेप इन द मैथमेटिक एज अ साइन और अ सिंबल. Here I already done, right? Then since the big fish is moving toward five smaller fishes, we write 5 greater than 2. Yes, I already told you that 5 is greater than 2. So 5 fish mein jyada hai, isliye big fish will eat the 5 one. It is greater, that's why. Then since the big fish turn away from 2 smaller fish, so agar शी विल, अगर 5 यहाँ होगा फिश और 2 इधर होगे, तो सेम मैनर एरो विल बी टूवर्ड्स 5, टूवर्ड्स 2, राइट? वी हैव ऑलरेडी लर्न टू कंपेयर 2-digit number इन क्लास 1. नाउ लेट अस लर्न टू कंपेयर नंबर्स अप टू 3-digit. आई एम स्मॉलर एज आई हैव ओनली 2-digit. सो ओके, 99121. Which one is 3-digit is always bigger, because 2-digit hai na, just mark that agar 2 fishes hai and 3 fishes hai, to 3 will be the greater, 3 will be eat the smaller fishes, like that you have to compare, aapko waise hi compare karna hai. Okay, I am greater as I have 3-digit. Yes, so like 99 is less than 121, right? Okay. Now turn the page. I am smaller as I have only 3 numbers. Okay, 3 numbers compare कैसे करेंगे? Okay, 3 equal, but first see first one, 3 and 4 है, तो in numbers 1, 2, 3, 4, विच आप जैसे 0 से आगे जाओगे तो वो नंबर यू विल नो विच इज ग्रेटर. तो 1, 2, 3 के बाद 4 आता है, 4 इज ग्रेटर. सो हियर 331 इज लेस देन 440, राइट? देन आई हैव 208 tens. 287 and I have also 2 numbers, but only 5 tens. So you are greater. Okay, let's see, compare
टू एंड टू इक्वल, देन अगर दो इक्वल होगा तो उसके बाद वाला नंबर हम देखेंगे, राइट। एट एंड फाइव, एज आई टोल्ड यू, यू विल गो बियॉन्ड जीरो, जीरो से आगे जाओगे जो नंबर ग्रेटर है वही नंबर विल बी ग्रेटर वन। सो एट, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव सिक्स सेवन एट, एट, ओके, एट इज ग्रेटर देन 250। Here also written as the digit of the 100 place are same, we compare the tens place. Obviously, 100 tens and ones. 100 tens and ones. We write it as 287 greater than 250. Jahan pe bada hoga, wahin pe sign will be compared. Okay. I have 5 numbers, 5 tens and 4 ones. And I have 500, 5 tens, but 9 ones. So I am greater. Okay. Let's see. 5 and 5 both are equal. Then agar 10, 100, this is 100 tens and ones. 100 tens and ones. 100 ki place same hai. Tens ki bhi place same hai. Now we'll see ones place. So 4 and 9. 9 is greater. So 554. Is less than 559, right? Okay. If the number is 888 and both the 100 tens and ones place are equal, then we will go for equal to sign. Okay. Now let's see activity 7. Write greater than, smaller than, or equal to make a sentence true. First one has been done for you. 136 and 111, 115, 1, 1 same, 3, 1, let's compare 3 and 1, obviously 136 is greater than 115. Number 2, 500 and 499, 5 and 4, first one compare it, 5 is greater, the 500 is greater than 499, then 647 and 642. 100's place is equal, 10's place also equal. Now we will see 1's place. So 7 and 2. 647 is greater than 642. 299 and 437. So 100's place, obviously 4 is the bigger first one. So 299 is less than 437. 629 is greater than 559. 6, 7, 8, 9 and 10 is your homework to do by yourself. Okay. Then ascending and descending order. Ascending order means arranging numbers from smaller to big. Niche se upar. And descending means bigger to small. Okay. Let's directly do, you will know better. Rewrite the number ascending order, small to big. Small, 0 here, see, you can see 0, 0, 0, every, there is in 10s and 1's place, 0 is there. So let's see the first one only. 2, 7, 6, 3, 9, 200, 700, 600, 300, 900. Small to big bullet, small is 200, then उससे बिग आपको स्मॉल से बिग जाना, तो 200 देन 300 देन 600 देन 700 एंड 900. दिस विल इज योर होमवर्क. फर्स्ट कंपेयर द फर्स्ट नंबर. ओके, रीराइट द नंबर्स इन बिग टू स्मॉल. So here first number, you have to, first number is 6 and 8. So 8 is bigger, the 819, then 725, then